हेलो डियर फ्रेंड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। एंड इन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर आई हैव टू स्टार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज मेरा टॉपिक होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन दिस केस आई हैव टू टेक वेरियस सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सिलेक्टेड द पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे मेरी कई प्रकार के इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ फार्मूला जो बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। हाउ दीज फार्मूला आर प्रिपेयर्ड, कैसे ये फार्मूला डिराइव किए गए हैं और कैसे हम इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल नंबर वन। इट मींस दैट विल बी माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वी हैव टू कवर वेरियस लेक्चर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दिस वे। देयर विल बी वेरियस न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स व्हिच मे बी आस्क्ड बाय यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट इंकर्ड बाय ए कंपनी। जब ए कंपनी कॉस्ट इंकर करती है फॉर फाइनेंसिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब कंपनी के कई प्रकार के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग। तो ये कई प्रकार के इनके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। तो इनकी अगर हमें कॉस्ट देखनी पड़े तो व्हाट कंपनी हैज टू पे कॉस्ट टू द इक्विटी शेयर होल्डर, टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर और टू द डिबेंचर होल्डर। तो हम इसकी डेफिनेशन ये कह सकते हैं, इट इज द कॉस्ट पेएबल बाय कॉर्पोरेट एंटिटी फॉर फाइनेंसिंग और प्रोक्योरिंग द अमाउंट फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। जब कंपनी ने अपने फंड्स को प्रोक्योर करना होता है, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल की फॉर्म में करें, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फॉर्म में करें, चाहे वो डिबेंचर्स की फॉर्म में करें, तो जब उन्होंने प्रोक्योरमेंट करनी होती है या फंड्स को फाइनेंस करना होता है तो उनको कॉस्ट क्या इंकर करनी पड़ती है, व्हाट दे हैव टू पे देम। अब उन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर को क्या पे करना है, उन्होंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या पे करना है इन लियू ऑफ फाइनेंस। जो उन्होंने फाइनेंस करवाया उसके बदले वो क्या पे करेंगे, व्हाट शैल दे पे फॉर कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन में वो क्या देंगे, तो इसी को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट पेएबल बाय द कंपनी एज कंसीडरेशन टू द शेयर होल्डर्स, दैट मे बी इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट मे बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दैट मे बी डिबेंचर होल्डर्स। तो उनको क्या कॉस्ट पे करते हैं जिसके बदले वो फंड्स को अरेंज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कोई भी फंड को प्रोक्योर करने की जो कंपनी कॉस्ट पे करती है, जो बेनिफिट पे करती है टू द इक्विटी शेयर होल्डर, टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू द डिबेंचर होल्डर, उसको हम इन शॉर्ट टर्म में, हम उसको थोड़ा समरी फॉर्म में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह सकते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वन होगा। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल भी लिए हैं और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज लिए हैं, दैट इज ओनली नंबर वन लेक्चर। इन द सेकंड लेक्चर वी शैल प्रोसीड फर्दर विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो टुडे आई हैव टू स्टार्ट विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो टुडे विल बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो भी हमारे स्टूडेंट होंगे दे कैन बी बेनिफिटेड विद दीज लेक्चर्स। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल वन करेंगे, देन इन द सेकंड वी शैल गो विद द फर्दर न्यूमेरिकल एंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो पहला हमारा जो बेसिक फॉर्म होता है फाइनेंस का वो होता है जिसको हम कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, जिनको हम शेयर होल्डर भी कहते हैं, जिनको हम मेंबर्स भी कहते हैं। ये हमारे शेयर होल्डर होते हैं जिनको हम कई बार स्टॉक डिविडेंड भी पे करते हैं, कई बार हम उनको बोनस शेयर जिनको स्टॉक डिविडेंड ही कहते हैं, दीज हैव टू बी पेड बाय द कंपनी। अगर कंपनी के प्रॉफिट बहुत ज्यादा होते हैं they are paid with the dividend भी उनको pay किया जाता है। If company is earning most,
देन दे कैन बी पेड बोनस शेयर, तो उनको बोनस भी दिया जाता है। ये ओनली पे होता है इक्विटी शेयर कैपिटल में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में हम बोनस पे नहीं करते और ना ही हम डिबेंचर होल्डर्स को बोनस पे करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अगर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी हो तो हमारा फार्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर में कॉस्ट लेते हैं डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। कंपनी को क्या मिला? अगर कंपनी ने फंड्स अरेंज किए तो कंपनी व्हाट गॉट द कंपनी, कंपनी ने क्या पाया, तो उसको हम डिनोमिनेटर बना लेते हैं जो कंपनी को मिला। और सबसे ऊपर हम कॉस्ट लेते हैं इनटू 100। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी ए कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन परसेंटेज। तो हम परसेंटेज में कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फार्मूला है, ऊपर हमने लिया न्यूमरेटर डी, डी मींस डिविडेंड, जो कंपनी ने डिविडेंड पे करना है अपने शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को, डिवाइडेड बाय एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, और एनपी, एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड्स। या तो हम मार्केट प्राइस भी डिनोमिनेटर ले सकते हैं या हम नेट प्रोसीड्स भी डिनोमिनेटर को ले सकते हैं इनटू 100। तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये फार्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी का बन जाएगा। अब सबसे पहले डिविडेंड हमने कॉस्ट मानी है जो कंपनी पे करेगी, डिवाइडेड बाय कंपनी का मार्केट प्राइस क्या है, और या हम ले सकते हैं नेट प्रोसीड्स, कंपनी को क्या मिला। कंपनी ने अगर डिस्काउंट पे शेयर इशू किए तो डिस्काउंट को हम लेस कर देंगे नेट प्रोसीड्स में। जैसे 100 का अगर पार वैल्यू का डिस्काउंट होगा तो लेस हो जाएगा, अगर प्रीमियम पे इशू किया तो 100 प्लस प्रीमियम हो जाएगा, उसको हम नेट प्रोसीड कर देंगे इनटू 100। तो हमारे दो फार्मूले हो सकते हैं, या तो मार्केट प्राइस के बेस में हम कर सकते हैं या हम नेट प्रोसीड्स के बेस में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाई है, दैट इज इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो हमारी क्लियर करेगी टू एंगल्स को। अब यहाँ पे हमने लिया एक्स वाई जेड लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ऑफ 10% ऑन इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। अब शेयर की जो पार वैल्यू है वो है 100 रुपीज। अब कंपनी डिविडेंड देना चाहती है 10%। अब मार्केट प्राइस कंपनी का 80 रुपीज है। अब हमें डिविडेंड यील्ड मेथड से हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना है। अब डिविडेंड का मतलब है हमें मार्केट प्राइस का बेस भी लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी सेपरेट आंसर, और हम नेट प्रोसीड के बेस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी ए सेपरेट आंसर। तो हमारे यहाँ पे टू आंसर बनते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। इट मींस कॉस्ट ऑफ इक्विटी के दो एंगल बनेंगे, एक हमारा होगा मार्केट प्राइस का, एक हमारा एंगल होगा नेट प्रोसीड का। हमें दोनों एंगल से सॉल्व करना है और अपने एग्जामिनर को शो करना है, दैट विल बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कंपनी हमारी डिविडेंड देना चाहती है 10% और उसका पार वैल्यू है 100। तो जो भी डिविडेंड कैलकुलेट होता है दैट इज ऑलवेज ऑन पार वैल्यू। पार वैल्यू पे ही हम हमेशा डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं। हमारे स्टूडेंट को नोट कर लेना चाहिए डिविडेंड की कैलकुलेशन हमेशा जो भी न्यूमरेटर होगा दैट विल बी ऑन पार वैल्यू। पार वैल्यू पे हम डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले मैंने के ई का फार्मूला बनाया जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर हमें इक्विटी लिखना है तो हम के ई लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताता है। इसका फार्मूला होगा डी डिवाइडेड बाय एमपी इनटू 100। अगर डी हमने ऊपर रखना है, अब डिविडेंड कितना होगा 10% ऑफ पार वैल्यू, क्योंकि डिविडेंड पार वैल्यू के ऊपर होता है, तो 10% ऑफ 100, तो ये बनेगा 10 रुपीज। तो 10 रुपीज हमारा डिविडेंड हो जाएगा डिवाइडेड बाय एमपी। मार्केट प्राइस के बेस में अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं डिविडेंड कितना पे कर रही है कंपनी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना पे कर रही है, तो इसको हम कर सकते हैं डी डिवाइडेड बाय एमपी, यानी मार्केट प्राइस के बेस में कंपनी कितना डिविडेंड या कितनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी परसेंटेज पे करती है, तो ये बनेगा डी अपॉन एमपी।
ये बनेगा 10% ऑफ 110 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एमपीएस, जिसको कहते हैं मार्केट प्राइस है 80 को हमने डिवाइड कर दिया इनटू 100। अगर मार्केट प्राइस के बेस में देखा जाए तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले केस में, जो हमारा सिंपल एग्जांपल है जहां से हमारी स्टार्टिंग है, ये बनता है 12.50%। अगर हम नेट प्रोसीड्स के बेस में करें, अब कंपनी को क्या मिला, अब कंपनी ने इशू किए शेयर 100 के, इट मींस दैट इज एनपी। जो कंपनी इशू प्राइस करती है उसको हम कहते हैं नेट प्रोसीड्स। कंपनी को क्या मिला उसको कहते हैं नेट प्रोसीड। अब हमारा डिविडेंड तो 10 ही रहेगा, क्योंकि 10% ऑफ पार वैल्यू वो 100 ही रहेगा, वो 10 रुपीज ही रहेंगे डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। तो ये हमारे 100 हो जाएंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। अगर हम नेट प्रोसीड का फार्मूला देखना चाहते हैं, डी वैसे रहेगा, एनपी हमारा 100 ही हो जाएगा, जिसको हम इशू प्राइस कह सकते हैं, एनपी को इशू प्राइस कह सकते हैं, दैट इज 100 इनटू 100। परसेंटेज देखेंगे तो 10% नेट प्रोसीड के बेस में हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी। तो इस तरह हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। बड़ा सिंपल फार्मूला, डिविडेंड ऊपर रहता है जो कॉस्ट होती है कंपनी के लिए, डिवाइडेड बाय एमपी मार्केट प्राइस के बेस में, और नेट प्रोसीड जिसको हम कहते हैं इशू प्राइस जो कंपनी को मिला उसको हम डिवाइड कर देते हैं इनटू 100। इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कॉस्ट परसेंटेज को चेक करना है। तो ये हमारी केई का फार्मूला होगा, दो एंगल में हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं केई। अब सेकंड पॉइंट है, अब फर्स्ट पॉइंट हमारे मेन सोर्स होती है जिसको हम स्टार्ट करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल से, उसके बाद हम सेकंड मानते हैं कि मेन हमारी सेकंड सोर्स होती है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब कंपनी हमारी कई बार प्रेफरेंस शेयर से भी फाइनेंसिंग करती है, प्रेफरेंस शेयर को इशू करती है जिसमें उनको डिविडेंड देना होता है। अब यहाँ पे ना कंपनी डिविडेंड पे करती है, अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं प्रेफरेंस शेयर का, तो यहाँ पे 10% इट इज रिटर्न, इट मींस यहाँ पे हमारी परसेंटेज मेंशन होती है इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर और इन केस ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर में भी हमारी परसेंटेज मेंशन होगी, जो हम इंटरेस्ट कंपनी पे करेंगे उसके लिए कॉस्ट होगी। अगर प्रेफरेंस शेयर के लिए करोगे तो यहाँ भी हमारी परसेंटेज मेंशन होती है, जिसको हम कहते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड या डिविडेंड। अब इसका सबसे पहले हम फार्मूला करते हैं केपीआर। केपीआर का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसके हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये भी बड़ा सिंपल फार्मूला होगा। ये डिविडेंड फिर हमारा न्यूमरेटर बनेगा, क्योंकि ये कॉस्ट होगी कंपनी के लिए, क्योंकि हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना है, डिवाइडेड बाय एनपी। अब इनका मार्केट प्राइस नहीं होता, अब प्रेफरेंस शेयर में मार्केट प्राइस नहीं होगा, यहाँ पे ओनली होगा नेट प्रोसीड्स, जिसको हम कह सकते हैं इशू प्राइस। कंपनी ने कितनी मनी अरेंज की, कितना उन्होंने डिस्काउंट दिया, कैसे इशू किया, पार पे इशू किया, प्रीमियम पे इशू किया या डिस्काउंट पे इशू किया, ये इसको हम कहते हैं एनपी, जिसको कहते हैं नेट प्रोसीड। तो डिविडेंड हमारा ऊपर रहेगा। अब इसको फार्मूले को थोड़ा सा अगर हम और सिंपलीफाई करें, डिविडेंड हमारा वही डी ऊपर रहेगा। अगर हम नेट प्रोसीड कहते हैं तो नेट प्रोसीड में पार वैल्यू मेन होगी, उसमें अगर प्रीमियम पे इशू किया तो प्रीमियम प्लस हो जाता है, अगर कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू किया तो लेस डिस्काउंट हो जाता है, अगर कंपनी ने कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन, कई प्रकार के उनको फ्लोटेशन कॉस्ट देनी होती है, अगर उन्होंने फ्लोटेशन कॉस्ट दी है तो वो भी लेस हो जाती है, माइनस कॉस्ट अगर हमारे सामने मेंशन है। अगर वो कहते हैं 4% पार वैल्यू का कंपनी ने फ्लोटेशन कॉस्ट दी, तो हम यहाँ पे लेस कर देंगे और वो हमारा डिनोमिनेटर में प्राइस आ जाएगा, लेस हो जाएगा जो कंपनी को नहीं मिला। तो नेट प्रोसीड कैसे कैलकुलेट होते हैं, पहले मेन वैल्यू, प्रीमियम पे होता है तो प्लस कर देते हैं, डिस्काउंट में होता है तो लेस हो जाता है, कंपनी को नहीं मिलता, अगर भी कॉस्ट होती है वो भी लेस हो जाती है, तो नेट अमाउंट को नेट प्रोसीड कहते हैं। अब नेट प्रोसीड को हम डिवाइड करेंगे इनटू 100, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी इन परसेंटेज। अब मैंने इसका एक बड़ा सिंपल सम लिया जिसके हमने तीन पार्ट बनाए हैं, इसको हम क्लियर करते हैं प्रेफरेंस केपीआर के बारे में। ए फॉर्म इश्यूज 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। अब कंपनी इशू क्या करती है, 10%।
अब 10% का मीनिंग होगा 10% डिविडेंड, क्योंकि इनका डिविडेंड पहले ही मेंशन होता है कि कितना डिविडेंड है। जैसे डिबेंचर्स का 10% डिबेंचर मीनिंग 10% इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी ऑन डिबेंचर। अगर 10% प्रेफरेंस है तो 10% प्रेफरेंस पे कंपनी ने डिविडेंड देना है 10% ऑन द नॉमिनल वैल्यू। अब हमें ये स्टूडेंट को ध्यान रखना है, जो भी डिविडेंड कैलकुलेट होगा वो फेस वैल्यू पे होगा, नॉमिनल वैल्यू पे होगा, पार वैल्यू पे होगा, ये हमें माइंड में रखना है। तो ये हमें नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेशन करनी है। कॉस्ट ऑफ इशू 2 पर शेयर हुई है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब शेयर पार पे इशू हुए, जब शेयर प्रीमियम ऑफ 10% पे हुए, जब शेयर कंपनी कहती है कि 5% डिस्काउंट पे हुए। अब तीन पार्ट्स में हमें केपीआर को कैलकुलेट करना है। अब कंपनी की पार वैल्यू क्या है, 20,000 शेयर इनटू 100, जिसको हम कहेंगे रुपीस 20 लाख कंपनी की फेस वैल्यू है, जिसको कहते हैं नॉमिनल वैल्यू है या पार वैल्यू है। 20 लाख हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सबसे पहले हम डिविडेंड को इकट्ठा कर रहे हैं, 10% कंपनी ने डिविडेंड देना है, तो पार वैल्यू का 20 लाख का 10% ये बनेगा 2 लाख। इसका मतलब जो हमने डी को कैलकुलेट किया डिविडेंड, जो हमारा न्यूमरेटर है, जो हमारी कॉस्ट है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेएबल है, वो होगा 2 लाख। तो ये हमने 2 लाख न्यूमरेटर बना लिया, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। अब इसके बेस में मुझे तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यहाँ पे। अगर कंपनी पार पे करती है तब हमारा कॉस्ट ऑफ पीआर क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होगा, अगर 10% प्रीमियम पे होगा तब केपीआर क्या होगा, अगर हमारा डिस्काउंट 5% पे होगा तब केपीआर क्या होगा। अब पहले नंबर पे हम करते हैं पार वैल्यू। जब कंपनी ने पार वैल्यू पे अपनी मनी को अरेंज किया, जिसको कहते हैं एनपी वाज एट पार वैल्यू, जिसको हम कहते हैं नेट प्रोसीड्स वार वर एज पार वैल्यू, पार वैल्यू पे हमारे नेट प्रोसीड थी। अब सबसे पहले हमने डिविडेंड को कैलकुलेट कर लिया 2 लाख, 2 लाख हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। अगर हम नेट प्रोसीड देखते हैं तो नेट प्रोसीड के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारी पार वैल्यू कितनी है, ये बनेगी 20,000 इनटू 100, तो ये बनेगा 20 लाख। तो 20 लाख पार वैल्यू होगी, लेस हम कर देंगे इसमें 40,000, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ रोटेशन है 2 रुपए पर शेयर, 2 को हमने 20,000 से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा 40,000 रुपीज। तो जब भी कोई फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो पार वैल्यू से लेस हो जाती है और हमारा एनपी बन जाता है। तो जब हमारा कोई प्रीमियम पे इशू होते हैं वो पार वैल्यू पे प्रीमियम प्लस हो जाते हैं, डिस्काउंट लेस हो जाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट लेस हो जाती है, ये सारा करने के बाद हमारी एनपी बनती है। अब एट पार है, पार का मतलब मेन वैल्यू हमारी 20 लाख बन रही है जो एनपी में जाएगा, लेकिन उसमें हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट भी है, जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इशू। कॉस्ट ऑफ इशू या फ्लोटेशन कॉस्ट सेम थिंग है, और ये हमारी 2 रुपए पर शेयर है क्वेश्चन में। इसका मतलब हमने 20,000 शेयर को 2 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 40,000 कॉस्ट होगी। कॉस्ट को हम एनपी में लेस करते हैं, कॉस्ट विल बी डिडक्टेड, क्योंकि ये कंपनी को मनी नहीं मिली, जिसको हम कहते हैं नेट प्रोसीड। तो कॉस्ट को लेस किया जाता है, तो कंपनी को पहले 20 लाख मिले, जिसमें 40,000 लेस हो जाएगा, दैट विल बी 19,60,000। अब हमारा जो एनपी है ये बनेगा 19,60,000, क्योंकि ये हमारा अब एनपी होगा, नेट प्रोसीड जो कंपनी को मिले। तो कॉस्ट ऑफ इशू को हम टोटल पार वैल्यू से लेस कर देते हैं, इसको हम कहते हैं एनपी। तो 2 लाख हमारा पार वैल्यू के ऊपर ही है, 10% 20 लाख का 2 लाख, जिसको हम डी कहते हैं। एनपी हमारा बनेगा 19,60,000, इसको डिवाइड करेंगे इनटू 100, तो ये हमारी कॉस्ट पहले केस में केपीआर बनता है 10.2% या 10.20%। तो पहले पार्ट का आंसर होगा 10.20%, ये हमारी केपीआर होगी फॉर द कंपनी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद सेकंड केस है एट ए प्रीमियम ऑफ 10%।
अगर कहते हैं हमने कंपनी ने इशू किए 10% प्रीमियम पे, तब केपीआर क्या होगी? अब हम सेकंड एंगल में देखना चाहते हैं। अब बी फार्मूला में सेम डिविडेंड तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, जिसका फार्मूला हमेशा यही रहेगा डी अपॉन एनपी इनटू 100। हमें बस एनपी को अलग अलग डिजाइन करना है इन द सेकंड केस। अब देखो डी हमारा 2 लाख ही रहेगा, वो तो मेन ही है, पार वैल्यू के ऊपर प्रीमियम होगा वो हमारा 2 लाख ही होगा। लेकिन जो हमारा एनपी होगा वो अब प्रीमियम पे इशू हुए हैं, तो प्रीमियम को हम कहते हैं प्लस होता है, डिस्काउंट लेस होता है और कॉस्ट ऑफ इशू भी लेस होता है। अब सेकंड केस में मुझे क्या करना है, सबसे पहले हमें पार वैल्यू को इकट्ठा करना है एनपी के लिए। बनेगा 20,000 × 100, मेन वैल्यू सबसे पहले हम लेते हैं, ये बनेगा 20 लाख, इसमें 10% हमने ऐड कर दिया, तो 10% 20 लाख का 2 लाख ये ऐड हो गया, ये बनेगा 22 लाख। अब ये बन गया 22 लाख, 20 लाख + 2 लाख ये बन गया 22 लाख। लेकिन कॉस्ट तो हमेशा ही हम कर रहे हैं, तो 2 रुपए पर शेयर हमारी कॉस्ट ऑफ इशू है, तो 20,000 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर लें, तो 40,000 कॉस्ट को हम लेस करते हैं, तो प्रीमियम ऐड किया 22 लाख, लेस हम करते हैं 40,000, तो ये बनेगा 21,60,000। नेट जो प्रोसीड हो गए, जो कंपनी को मिले प्रीमियम प्लस करके कॉस्ट माइनस करके, ये बने 21,60,000। अब हमारा फार्मूला है डी अपॉन एनपी। अब एनपी हमारा रहेगा 21,60,000, ये हमारा नीचे डिवाइड रहेगा इनटू 100, तो ये करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.26%। इन द सेकंड केस हमारा जो आंसर होगा बी पार्ट का, जब कंपनी प्रीमियम पे केपीआर को इशू कर रही है प्रेफरेंस शेयर को, तो प्रीमियम पहले प्लस होता है, कॉस्ट लेस होती है, तो वो एनपी बन जाता है, इनटू 100 करते हैं 9.26%। अब सी केस, अब थर्ड केस में मैंने लिया, अगर कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है 5%, तब हमारा एनपी क्या होगा? तो उसके लिए हम केपीआर डिजाइन करेंगे। डिविडेंड तो हमारा सेम रहेगा, डिविडेंड विल बी ऑलवेज एट पार वैल्यू, हम ये समझ के चले। अगर हमें इक्विटी कैपिटल का भी डिविडेंड देखना है वो भी पार पे होता है हमेशा, मेन वैल्यू पार नॉमिनल वैल्यू पे डिविडेंड होता है। अब सिमिलरली हमारी केपीआर भी डिविडेंड जो होगा वो पार या नॉमिनल वैल्यू पे होगा या फेस वैल्यू पे होगा। तो अब डिविडेंड तो हमारा थर्ड केस में भी 2 लाख ऊपर रहेगा, जिसको हम डी कहेंगे। अब थर्ड केस में फिर मुझे एनपी बनाना है, क्योंकि एनपी हर एंगल में चेंज हो रहा है। अब हमारे जो शेयर हुए 5% डिस्काउंट पे इशू हुए, अब पहले तो हम फेस वैल्यू लेंगे 20,000 × 100, ये नॉमिनल वैल्यू होगी 20 लाख। अब लेस करेंगे हम 5%, क्योंकि हम यहाँ पे 5% डिस्काउंट कंपनी को नहीं मिला, डिस्काउंट नहीं मिलता, प्रीमियम मिलता है, तो डिस्काउंट लेस हो जाएगा, 1 लाख लेस हो गया 20 लाख में, और 40,000 हर केस में लेस होगा, क्योंकि ये हमारा कॉस्ट ऑफ इशू है, 2 रुपए पर शेयर, एक शेयर के पीछे 2 रुपए हमारी कॉस्ट है, 20,000 के पीछे क्या होगी, ये 40,000 ही रहेगी, तो ये भी लेस होगा। अब 2 लाख ऊपर रहेगा, कंपनी को क्या मिला 18,60,000। सी केस में जहां पे डिस्काउंट में होता है वहां पे एनपी बनेगी 18,60,000, पार वैल्यू लेस डिस्काउंट लेस कॉस्ट, तो ये करने पर 1860 × 100 करेंगे, तो थर्ड केस में हमारा बनेगा 10.75% हमारी ये बनेगी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। तो हमारे 3 पार्ट में मैंने एग्जांपल में क्लियर किया, इस तरह हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंपनी की कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने 7वें एग्जांपल दिया, 3 पार्ट्स में हमने अलग अलग केस में केपीआर को सॉल्व किया। अब जो थर्ड हमारी फाइनेंसिंग होती है मेन, वो होती है डिबेंचर्स, जिसको कहते हैं केडी। केडी केडी कहने का मतलब देखने में लग जाएगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अब इसका फार्मूला क्या होगा, अब इसका फार्मूला होता है आई अपॉन एनपी, क्योंकि डिबेंचर में इंटरेस्ट पे किया जाता है। अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, वहां पे हम डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड डी, वहां पे डी न्यूमरेटर होता है। अगर डिबेंचर की बात करेंगे वहां पे कंपनी इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करती है, दैट मे बी 10%, दैट मे बी 15%, तो हमारी यहाँ पे कॉस्ट आती है आई।
आई को हम ऊपर रखते हैं, डिवाइडेड बाय एनपी। अब एनपी यही होगा जिसको कहते हैं नेट प्रोसीड, कंपनी को क्या मिला। कंपनी ने अगर प्रीमियम पे इशू किया तो प्लस, सेम जैसे हमने प्रेफरेंस पे बात की, अगर डिस्काउंट पे किया तो लेस, अगर पार पे किया तो फुल वैल्यू, मेन वैल्यू। तो ऐसे हम करते हैं इंटरेस्ट अपॉन एनपी इन 200। तो डिबेंचर में दो पार्ट में हम कैलकुलेट करते हैं, एक होता है हमारा बिफोर टैक्स, एक होता है हमारा आफ्टर टैक्स। डिबेंचर में हमारा कैलकुलेट होता है बिफोर और आफ्टर। अगर बिफोर होगा तो हमारा फार्मूला आई, कंपनी ने कितना इंटरेस्ट पे किया। अगर हम कहते हैं 10% ऑफ 100 नॉमिनल वैल्यू, 10 रुपीज हमारा इंटरेस्ट होगा। अगर पार वैल्यू डिबेंचर की 100 है तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 10%। फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपीज ऊपर इंटरेस्ट है, पार वैल्यू 100 है, इंटू 100, तो 10% KD आएगा। अगर हम कहते हैं बिफोर टैक्स, अगर कंपनी कहती है आफ्टर टैक्स, अगर आफ्टर टैक्स करना है तो पहले हमें एनपी भी बनाना है। एनपी में वही प्रीमियम एड डिस्काउंट लेस कॉस्ट लेस है ना, इनटू 100 हम कर देते हैं। साथ में हम कर देते हैं आफ्टर टैक्स में 1 माइनस टी टैक्स, अगर टैक्स रेट 50% है तो आधा टैक्स रेट लेस हो जाएगा, इनटू 100, टोटल इनटू 100 करेंगे तो ये हमारा आफ्टर टैक्स कॉस्ट भी हो जाती है। तो डिबेंचर में हमारी बिफोर टैक्स कॉस्ट के लिए आंसर क्वेश्चन होता है, बिफोर करना है तो हमारा कोई 1 माइनस टी इंप्लीमेंट नहीं होगा जो ब्रैकेट में होता है। अगर आफ्टर टैक्स होगा, जो टैक्स रेट लिखा होगा, अगर लिखा है 35% टैक्स रेट है तो यहाँ पे हम कर देंगे 1 माइनस 0.35, यानी 0.65 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारी कॉस्ट होगी ये हमारा फार्मूला होगा, इनटू 0.65। अगर 35% का एग्जांपल होगा तो 1 माइनस 0.35 ब्रैकेट हो जाएगी। बाकी जो रिमेनिंग हमारे एनपी हैं वो सेम कैलकुलेशन है एज इन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे हम आई को न्यूमरेटर मानते हैं और डिवाइडेड बाय एनपी इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट, जिसको हम कहते हैं केडी, दैट मे बी बिफोर टैक्स, दैट मे बी आफ्टर टैक्स। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं नई सीरीज में आऊंगा, मोर एंड मोर सम विल बी इंट्रोड्यूस टू यू। थैंक यू वेरी मच।